हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनैना और सुनैनास किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं झारखंड की फेमस मूली के पराठे। तो चलिए आज का रेसिपी शुरू करते हैं। मूली के पराठे बनाने के लिए हमने मूली को चॉप कर लिया है। अब हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। के लिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे। अब थोड़ा सा जीरा इसमें डालेंगे। चॉप किया हुआ अब इसमें हम मूली डालेंगे। स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे, मिर्च डालेंगे, हल्दी, गरम मसाला, धनिया मसाला, चाट मसाला, पत्ता। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी से पक के मेरा मसाला तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम आटा को तैयार कर लेते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब देख सकते हैं आटा तैयार है। अब हम इसको इसका थोड़ा सा लोई बना लेंगे। अब हम लोई बना लिए हैं। अब इसमें हम मसाला भरेंगे और मसाला भरने के बाद इसको हम अच्छे से गोल कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से गोल कर लिए। अब हम इसको थोड़ा सा सूखा आटा देके पक चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे। पराठे को अच्छी तरह से हम पका लेते हैं ताकि दोनों तरफ कुरकुरा हो जाए। देख सकते हैं मेरा आप देख सकते हैं पराठा बन के तैयार हो चुका है। अब इसी तरह हम दूसरा पराठा को तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं गर्मा गर्म पराठा मूली का तैयार है। इस
इसे बादाम की चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर टमाटर के चटनी के साथ खा सकते हैं। देखिए मूली का पराठा कितना अच्छे तरीके से पका है। तो दोस्तों, आज का ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।